सरोकार। अखिलेश यादव का भाजपा परिवार बोले सीएम योगी को नहीं पता प्रदेश में कितने असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ करते हैं तमंचे की बात। शिवपाल बोले भाजपा ने जनता को धोखा दिया है। कानपुर में कहा यूपी के मंत्रियों में एक बाबू चपरासी का ट्रांसफर करने की हैसियत नहीं। निकाय चुनाव में अखिलेश ने आजमगढ़ से बनाई दूरी। चुनाव प्रचार के लिए जिलाध्यक्ष और विधायकों को जिम्मा दिया। संजय शेरपुरिया ने गुजरात में लोगों से ठगी की है। नौकरी के नाम पर लिए थे करोड़ों रुपए। आज रिमांड का आखिरी दिन। पीएफआई के 13 संदिग्धों से पूछताछ जारी। आजमगढ़ और जौनपुर में सक्रिय पीएफआई बात करने के लिए करते हैं खास ऐप का इस्तेमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुख करते हैं खबर की ओर। नगर निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार डॉक्टर आस्था अग्रवाल के समर्थन में पीलीभीत पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से वोट करने की अपील की। केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की उपलब्धियां गिनाई। साथ ही जनता को पीलीभीत पालिका को मॉडल नगर पालिका बनाने का भी आश्वासन दिया। जनपद के सभी नगर निकायों के हमारे जितने भी प्रत्याशी उनको जिताने की प्रार्थना करता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि जनता जो वोट देगी वो हमारे पार्टी के लिए गर्व होगा, विकास के साथ उसे जुड़ना। जनता पार्टी कमजोर प्रत्याशी नहीं होता, प्रत्याशी हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं होता। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, बाकी सब कुछ जाओगे। औरैया में आम आदमी पार्टी से नगर पालिका से प्रत्याशी रविकांत बाजपेयी ने शहर के मुख्य मार्गों से रोड शो किया। रविकांत बाजपेयी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर वह नगर पालिका में जीत कर आते हैं तो हाउस टैक्स और वाटर टैक्स माफ कर देंगे। वहीं इस दौरान आम पार्टी के विधायक रोहित मौरूलिया ने कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आए दिन घटनाएं हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने का दावा कर रही है और राम राज्य होने की बात कह रही है, लेकिन सूबे में आए दिन होने वाली घटनाएं प्रदेश सरकार की पोल खोलने का काम कर रही है। हमारे साथ औरैया नगर के समस्त नगरवासी हैं, जो कि आप देख रहे हैं इस समय, और मेरा एक ही उद्देश्य है चुनाव लड़ने का कि जो नगर पालिका में कार्य नहीं हो रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं जिस तरह से भ्रष्टाचार नगर पालिका में फैला हुआ है, उन भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। लोग जो पहले साइकिलों से चला करते थे अब फॉर्चुनर पहुंच गए हैं। 25 साल में जो भी चेयरमैन बने हैं पहले उनकी पहले की स्थिति देखी है और आज की स्थिति देखी है, वो सिर्फ और सिर्फ नगर पालिका का पैसा खा के अरबपति बन चुके हैं। मैं इन अरबपतियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं ये जो भाजपा सपा और बसपा चुनाव लड़ रही है ये कहते हैं नगर निकाय के चुनाव होने, आम आदमी पार्टी ने अपने औरैया में प्रत्याशी उतारा, क्या कहना चाहेंगे, किन मुद्दों को लेकर चुनाव करेंगे? मैं रश्मि पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला विंग। सबसे पहला तो हमारा जो मुद्दा है वो मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा से लेके, वो चाहे प्रदेश स्तर पर हो या देश। डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं ये लोग, लेकिन जितनी बड़ी सरकार है उतना बड़ा इसमें करप्शन और महिलाओं की असुरक्षा है। जिस तरह बहन बेटियों के साथ गली कूचे में इनके निकाले हुए गुर्गे जो इनके नाम पे जय श्री राम का नारा लेकर महिलाओं के साथ छेड़खानी करते हैं, बदतमीजी, अभी आपने सुना होगा कुछ समय पहले कानपुर देहात में एक गरीब दीक्षित परिवार की दो। चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति बना रहे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा नाम वंशराज दुबे है, आम आदमी पार्टी की छात्र जिन का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। और इस बार खास करके औरैया नगर पालिका के चुनाव अपने आप में बेहद अहम है। कई मायनों में अहम इस बात के लिए है कि आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रत्याशी को आपके बीच में उतारा है, खास करके औरैया नगर पालिका क्षेत्र की जनता के बीच में, वो प्रत्याशी पिछले 20 सालों से देश की सीमा पर रक्षा करने का काम कर रहा था देश का। जब औरैया के अंदर तमाम भ्रष्टाचारी अपना झोली भरने का काम कर रहे थे दो दशकों से, उस समय रविकांत वाजपेयी जी देश की सीमा पे। पार्टी का एक ही मुद्दा रहा है कि हम लोग देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन से निकले, स्वच्छ राजनीति की स्थापना करना आम आदमी पार्टी का मुख्य लक्ष्य है।
पूरे देश भर के अंदर आज लोग अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों से और उनके द्वारा किए गए जो क्रांतिकारी बदलाव हैं, चाहे दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, ये उदाहरण हमारे सामने बहुत बड़े हैं कि जो काम 75 सालों में नहीं हुए थे, लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे अभी तक, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य जैसे बुनियादी क्षेत्रों में जो अभी अभूतपूर्व काम दिल्ली में पिछले 7-8 सालों में हुए, आज उसको देखते हुए आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमारे प्रदेश में भी, हमारे राज्य में भी ईमानदार सरकार बने, ईमानदार। बदायूं में निकाय चुनाव के दूसरे चरण का आज प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा। इसको लेकर हर कोई चुनाव प्रचार में जी तोड़ मेहनत कर रहा है। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी आयशा परवीन ने नुक्कड़ सभा के साथ साथ जगह जगह वोटों की अपील करते हुए लोगों से 11 तारीख को वोट करने की अपील की। इस दौरान बीजेपी प्रत्याशी और बसपा प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस्लाम नगर की जनता भोली भाली है। 5 साल बीजेपी और 5 साल बसपा दोनों प्रत्याशियों द्वारा अभी तक इस्लाम नगर की नगर पंचायत का कोई भी विकास नहीं हुआ है। जनता विकास चाहती है। मरहूम वाहिद का चेयरमैन साहब के बारे में इस्लाम नगर की पूरी आवाम जानती है कि किस तरह के नेता रहे हैं। वाहिद का चेयरमैन साहब ने इस्लाम नगर की आवाम को बहुत खुश रखा था, बहुत ज़्यादा अच्छा विकास किया था और गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की थी। आपको नहीं क्यों समर्थन दिया है? मरहूम वाहिद का चेयरमैन साहब के परिवार वालों ने मुझ पर भरोसा करके ही मुझे समर्थन दिया। तो जैसे आपका दिल्ली में एक टॉप मॉडल दिया है आम आदमी पार्टी ने, जैसे जैसे बाराबंकी में नगर निकाय चुनाव की वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बाराबंकी की बहुचर्चित आदर्श नगर पंचायत रामनगर में सभी दल के प्रत्याशी अपना परिश्रम तेज कर रहे हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कई बार रह चुके चेयरमैन पद पर राम शरण पाठक हजारों समर्थकों के साथ पूरी नगर पंचायत का भ्रमण कर अपने पक्ष में मतदान करने की जनता से अपील की। वहीं रामनगर में सभी दलों के प्रत्याशियों के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जनता का मानना है कि राम शरण पाठक के आगे आकर चुनाव जीतना आसान नहीं है, क्योंकि राम शरण पाठक की तुलना जनता की एम्बुलेंस से करती है। उनका मानना है कि राम शरण पाठक वो शख्स हैं जो किसी एक मजहब जाति की नहीं बल्कि पूरी नगर पंचायत के लिए खड़े रहते हैं। कन्नौज के छिबरामऊ नगर पालिका परिषद से अध्यक्ष पद के निर्दलीय प्रत्याशी राजीव दुबे और उनकी पत्नी शोभा दुबे ने जनसंपर्क किया। इस दौरान महिला समर्थकों के साथ पश्चिमी बाईपास, मेन बाजार, पूर्वी बाईपास तक जनसंपर्क किया और दुकानदारों से आशीर्वाद लिया। वहीं राजीव दुबे के साथ कई समर्थक भी मौजूद रहे। बता दें कि राजीव ने जनता से वोट देने और सहयोग करने की अपील की है और कहा 5 साल में जो भी गलती हुई है उसके लिए माफी चाहते हैं। मुख्य बाजार पश्चिमी बाईपास से शुरुआत किया था और पूर्वी बाईपास तक लगातार आए हैं, लोगों ने हाथों हाथ लिया है और इस बात की सराहना की है कि पिछले 5 साल में आपने जो काम किए हैं उनके लिए हम दोबारा चुनने के लिए बैठे हैं। चाहे आप सिंबल से आते हैं या बिना सिंबल के भी, अगर आप मतलब लेकर के किसी दल के आए हैं, आप पानी की बोतल पे आए तो पानी की बोतल के साथ भी हम दोबारा आपको चुन के भेजेंगे। इसी को सब लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने हाथों हाथ लिया है, बीच बीच में बहुत सारे लोगों ने स्वागत भी किया है। मैं उनका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ऐसी जनता को, हमारी जनता को, जो कि हमारे हमेशा हमेशा सुख दुख में। नंदीग्राम थाना क्षेत्र के राजनगर एक्सटेंशन रोड पर सिटी फॉरेस्ट पार्क के पास 4 युवकों ने एक चलती हुई कार में स्टंट किया। चारों युवकों ने खिड़की से बाहर निकलकर खूब हंगामा किया। युवकों का स्टंट करते हुए वीडियो एक राहगीर ने बना लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए 4 आरोपी को गिरफ्तार कर उनकी कार को सीज कर दिया है। युवकों पर जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि चारों बीटेक के छात्र बताए जा रहे हैं। दिनांक 8 मई को थाना नंदगांव के राजनगर एक्सटेंशन में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोगों द्वारा एक कार में बैठकर हुड़दंग मचाया जा रहा है एवं स्टंट किया जा रहा है। इस मामले में तत्काल संज्ञान लिया गया एवं 4 अभियुक्तों को गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
बाराबंकी के थाना असंद्रा की महिला के साथ एक महीने पहले गांव में दुष्कर्म किया गया था। न्यायालय के आदेश पर सुबेहा थाने में मामला दर्ज हुआ था, लेकिन लगभग एक महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के ढुलमुल रवैये से विपक्षी गिरफ्तार नहीं हो सकी। वहीं पीड़िता का आरोप है कि पुलिस विपक्षी को बचाने का प्रयास कर उन्हें सुलह कराने के दबाव बना रही और आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी पुलिस अभी तक आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित हो रही है, जिससे परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए जल्द गिरफ्तारी की मांग की है और अपनी जान मान की रक्षा की गुहार लगाई है। इस संबंध में सुबेहा थाना अध्यक्ष का कहना है कि मामला दर्ज हो गया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हरदोई के शाहबाद कस्बे के दिलेलगंज में एक बीमार बंदर को आवारा कुत्तों ने घेर लिया और फिर उसे तब तक नोचा जब तक वो मर नहीं गया। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और अब जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस पर नगर के लोग तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बता दें कि शाहबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला दिलेलगंज में ज्ञानी होटल के सामने वाली गली में ये बीमार और लाचार बंदर घूम रहा था, जिसको 3 आवारा कुत्तों ने घेर लिया और नोच नोच कर मार डाला। बंदर काफी देर तक वहीं पर पड़ा रहा, जिसको देखकर लोग निकलते रहे, लेकिन किसी ने उस तरफ ध्यान तक नहीं दिया। तभी वहां से गुजर रहे व्यापार मंडल के महामंत्री ने पालिका प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद बंदर के शव को गली से उठाया गया। हरदोई में दो पक्षों में वाद विवाद के बाद जमकर ईंट पत्थर चले। दबंगों का पीड़ित परिवार पर पत्थर चलाने का एक वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद पीड़ित पक्ष ने 6 लोगों के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस मामले की जांच कर कार्रवाई में जुटी हुई है। बता दें कि थाना कछौना के ग्राम खजौना निवासी इशरत ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि पड़ोस के लोगों ने उनसे विवाद हो गया था, जिसके बाद पड़ोसी लाठी डंडों से लैस होकर उनके घर पर आए और चढ़ाई कर दी। पशुओं को मारने पीटने के बाद इनके घर पर रखी नकदी भी लूट ले गए, साथ ही घर का सामान भी तोड़ डाला है। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी कद्दूस पीड़ित के घर पर ईंट पत्थर चला रहा है। मामले की शिकायत होने के बाद पुलिस तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता हंसराज रहेंगे। हंसराज, दो पक्षों में विवाद हुआ है, लाठी डंडे चले हैं, क्या कुछ और अधिक जानकारी है इसको लेकर? नंदनी, आपको बताना चाहेंगे, ये कछौना थाने क्षेत्र का मामला है। ये खजौना निवासी इसरा ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि पड़ोस के इलाके से ये विवाद हो गया, जिससे पड़ोसी सिद्दीकी कद्दूस और इनके पिता अयूब दोपहर में लाठी डंडों से लैस होकर इनके घर पे आए और चढ़ाई कर दी। आरोपों के परिजनों को मारने पीटने के बाद वह इनके घर पर रखी नकदी भी लूट ले गए, इसके साथ ही घर का सामान भी तोड़ डाला। मामले में एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी कद्दूस पीड़ित के घर ईंट पत्थर चलाता नजर आ रहा है। जी, मामले में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? एसएसपी पूर्वी जो नृपेंद्र है, उन्होंने बताया तहरीर मिली है, वीडियो भी उन्होंने देखा है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्षराज। रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां नसीराबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत बंधन के पुरवा की रहने वाली छात्रा स्कूल जा रही थी, तभी अचानक तेज रफ्तार से आ रहे ट्रक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं ट्रक चालक खड़ा होकर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना, थाना प्रभारी और सलून सीओ मौके पर पहुंचे और ट्रक को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं सलून विधायक ने भी मौके पर पहुंचकर परिजनों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। रायबरेली में दिन दहाड़े कोर्ट परिसर के अंदर पति ने पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला किया है, जिसके बाद पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। पत्नी को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि पीड़िता का अपने पति से विवाद के चलते अदालत में मुकदमा चल रहा था, इसी को लेकर पत्नी तारीख पर कोर्ट आई हुई थी। पत्नी ने पत्नी पर चाकू से हमला बोल दिया, वहीं हमले में महिला का पेट बुरी तरह से फट गया है। हमले से परिसर में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में घायल महिला को जिला अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं आरोपी हमलावर पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता बलवंत जुड़ेंगे। बलवंत, पत्नी कोर्ट परिसर में गई थी, पति ने आकर जोरदार हमला किया है, क्या कुछ और अधिक जानकारी है इसको लेकर? जी नंदनी, आपको बता दूं कि
पति और पत्नी का विवाद चल रहा था जो काफी लंबे समय से चल रहा था, दोनों अलग रह रहे थे, उसके बावजूद उसी से झल्लाए पति ने। आज पीड़िता पत्नी जो है आई हुई थी कोर्ट अदालत आई हुई थी, जहां पर उन्होंने एक सरफे उन्हीं का पति जो है पति ने चाकू से हमला कर दिया है। इस पूरे मामले पर देखिए पति का क्या कुछ कहना है, किस वजह से उसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। पति का यह कहना है कि कोर्ट में इनका विवाद चल रहा था लंबे अरसे से, तो पत्नी पति नाराज थी पति से, जो पति शराबी था, इसलिए उन दोनों का विवाद चल रहा था, जिसके चलते पति ने चाकू से हमला कर दिया है। इस पूरे मामले को लेकर गंभीर जो पिता है उसका क्या कुछ कहना है। अब गंभीर किरदार जो इसमें है देखा जाए तो पति, फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को पुलिस हिरासत में ले लिया है, वहीं पूछताछ की जा रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका बलवंत। रायबरेली में सिरफिरे आशिक का वीडियो वायरल हुआ है। सिरफिरा आशिक प्रेमिका का विवाह तय होने से बौखलाया हुआ और उसके घर पर पहुंच गया और धमकी देता जान से मारने की धमकी देने लगा। पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आशिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें कि परिजनों ने बदनामी के डर से आनन फानन में युवती का विवाह कहीं और तय कर दिया है और आगामी 10 मई को उसकी बारात आनी है, जबकि आशिक को इसकी जानकारी मिली तो वह बौखलाया हुआ युवती के घर अपने साथियों के साथ पहुंच गया, जहां उसने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की और परिजनों को धमकी दी, अगर युवती का विवाह कहीं और किया तो उसके पिता को जान से हाथ धोना पड़ेगा। सिरफिरे आशिक का धमकी देता हुआ वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद हैं। एक हफ्ते के अंदर चोरों ने एक ही विद्यालय को 2 बार अपना निशाना बना लिया है। चोरों ने विद्यालय में रखे लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। बता दें कि 3 दिन पूर्व विद्यालय में हुई चोरी की घटना के संबंध में पुलिस को तहरीर दी गई थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया था, जिसके बाद चोरों ने विद्यालय में दूसरी बार हाथ साफ किया। चोरों ने विद्यालय में मौजूद 6 सोलर बैटरी के साथ लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। वहीं चोरी की घटना से पूरा विद्यालय परिवार दहशत में है। चोरों के डर से विद्यालय में मचा समान प्रधान के घर शिफ्ट करा दिया गया है। शहबाजगंज थाना क्षेत्र के कंपोजिट विद्यालय ठेकाहा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सर आप अपना पूरा परिचय बताइए। अजय सिंह, सहायक अध्यापक, कंपोजिट विद्यालय ठेकाहा। आपके विद्यालय में चोरी की घटना हुई है, क्या है पूरा मामला? 2 बार चोरी हो चुकी है। 1 बार 5 तारीख की रात्रि में, जिसमें लगभग 50,000 का सामान गया है जी, और अभी 8 तारीख की रात्रि में चोरी हुई, जिसमें लगभग 2 लाख के बैटरी और इन्वर्टर की चोरी हुई है। और इस दोनों चोरी से पूरा विद्यालय परिवार और यह कह लीजिए कि पूरा ग्राम सभा है कहाँ काफ़ी भयभीत है। पिछली चोरी में भी पुलिस प्रशासन के पास इस तरह की सूचना गई, लेकिन उस पर कुछ नहीं किया गया। आज भी SO साहब आए और यह कहते चले गए कि आइए एप्लीकेशन लेकर के FIR किया जाएगा। हम लोग अभी कप्तान साहब से मिलने जा रहे हैं और इस तरह की घटनाओं से। आप अपना पूरा नाम और परिचय बताइए। मैं अजतानंद त्रिपाठी, प्रधानाध्यापक, कंपोजिट विद्यालय ठिकाना। विद्यालय में आपकी चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला? विद्यालय में एक चोरी की दूसरी घटना है। प्रथम चोरी जो है हम लोग की हमारे यहाँ जो है 5 तारीख बुधवार को शुक्रवार के दिन हुआ था। क्या क्या गया था उस दिन? जो है हमारे स्कूल का जो बड़ा औजा का बाजा था लगभग 17,900 का, एक छोटा बाजा था, उसके अलावा जो है हारमोनियम थी वहाँ लाइब्रेरी के ऊपर रखी थी, और फिर MDM जो जिसमें स्टोर रूम है उसमें से। उस समय लगभग कितने पैसे का चोरी हुआ था, कितने पैसे का? आप अपना पूरा परिचय बताइए। मैं राम प्रधान, सजाउद्दीन ग्राम प्रधान थे कहाँ। प्रधान जी, विद्यालय में चोरी हुई है, क्या है मामला? चोरी हुई थी 5 तारीख को भी हम लोग थाने पर गए, SO साहब को एप्लीकेशन दिए, वो कहे हम कार्रवाई करेंगे, और बेटा कल आए भी थे, आज फिर चोरी हुई। कितने का 5 तारीख को चोरी हुआ था? लगभग 50,000। आज कितने का चोरी हुआ है? लगभग 2.5 लाख। क्या कुछ पुलिस आई तो कुछ सुराग मिला? पुलिस आई, SO साहब आए, अपना देखे, कहे कि मतलब थाने पर आइए, हम फिर कार्रवाई एप्लीकेशन लेकर के आइए, लिखते हैं कार्रवाई करते हैं। पहली बार चोरी हुई, एप्लीकेशन दिया गया था उस चोरी का? ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अजीत जुड़ेंगे। अजीत, देखिए चोरों ने एक ही विद्यालय को 2 बार अपना निशाना बनाया और करीब 50,000 से ज्यादा के सामान को चुरा कर ले गए हैं। जी,
जी हूँ, ये आपको बता दें नंदनी कि हालांकि आए दिन साहबगंज कंपोजिट विद्यालय में ठिकरा गांव में आए दिन चोरी का वारदात हो रहा है, कहीं न कहीं पुलिस रात में पैदल गश्त करे कहीं न कहीं बड़ा सवाल उठता है। वही आपको बता दें कि वहाँ के जितने भी अध्यापक थे कई बार इसकी खबर थाना पर दी, भी इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की इसमें बड़ी लापरवाही पाई जा रही है। जी पुलिस प्रशासन को बताया जा रहा है कि तहरीर भी दी गई थी लेकिन प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्या चोरों की क्या गिरफ्तारी अभी तक हुई है? उनके द्वारा अभी कोई चोरों की कोई गिरफ्तारी नहीं है। वहीं जितने भी कंपोजिट विद्यालय के अध्यापक हैं और एसपी के अपना गुहार लगा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जल्द से जल्द चोरों को पकड़ा जाए, इसका खुलासा जल्द से जल्द किया जाए। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी गाजियाबाद के महागुनपुरम सोसाइटी में लिफ्ट में 12 साल की बच्ची को चाकू दिखाकर डराने का सीसीटीवी फुटेज कैद हुआ है। बताया जा रहा है कि दो युवकों ने लिफ्ट में 12 साल की बच्ची को चाकू दिखाकर डराया जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बच्ची के पिता ने विरोध किया तो बदमाश ने खुद को होम मिनिस्ट्री में होने की बात कहकर धमका दिया है। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए दोनों आरोपितों को शांति भंग की धारा में चालान किया है। बता दें कि एक गाजियाबाद से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, लिफ्ट में दो युवकों ने बच्ची को चाकू दिखाकर उसको डराया धमकाया है। चाकू दिखाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पिता के विरोध करने पर उन्होंने कहा कि वो मिनिस्ट्री के सदस्य हैं, जिसको लेकर ये वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता प्रवीण मिश्रा जुड़ेंगे। प्रवीण, 12 साल की बच्ची को डराया धमकाया जा रहा है लिफ्ट में, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं गाजियाबाद के महागुनपुरम का एक पूरा वीडियो है जहां पर लिफ्ट में जो बच्ची है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि 12 साल की बच्ची है जो कि लिफ्ट में जा रही थी। अचानक जब लिफ्ट खुलती है किसी मंजिल पर वहां से वो लड़के प्रवेश करते हैं, उसके बाद लड़के के हाथ में देख सकते हैं किस तरीके से चाकू जो कि लड़की की तरफ दिखाते हुए यानी उसको डराने का प्रयास कर रहा था या क्या कर रहा था, ये उसकी मानसिकता पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो लड़की को डराना चाह रहा था, आखिर क्या वजह रही थी। लेकिन जब ये लड़की जब ये डरी हुई सहमी हुई लड़की जब बाहर निकलती है उसके बाद दोबारा फिर एंटर करती है, जिसके बाद ये पूरी आपबीती अपने पिताजी को बताती है, जिसका पिताजी जब उसके पास पहुंचते हैं, हालांकि लड़का भी उसी सोसाइटी का रहने वाला है, लेकिन जब ये लड़की अपने पिताजी के साथ वहां पहुंचती है तो लड़का जो है वो धमकाते हुए पिताजी को ये बताता है कि मैं होम मिनिस्ट्री का सदस्य हूँ, होम मिनिस्ट्री में काम करता हूँ, इस तरीके की बात करते हुए लड़का वहां से उसको धमकाते हुए वो वहां से चला जाता है। कहीं ना कहीं अभी जब पूरा मामला जब सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिसके बाद पुलिस ने पूरे मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद पुलिस ने शांति भंग के मुकदमा दर्ज करते हुए इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है। लेकिन इस तरीके से गाजियाबाद के वीडियो जो इस तरह से वायरल हो रहा है, क्योंकि छोटा सा चाकू आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से, यानी कम उम्र की बच्ची है, उसको क्या जताना चाह रहा था व्यक्ति, हालांकि पूछताछ में अभी उसने कुछ कबूला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से वीडियो वायरल हुआ है गाजियाबाद का तो कहीं ना कहीं ये एक चिंताजनक सी बात है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रवीण। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।